आज हम बनाएंगे नमकीन बालूशाही या मठरी, जो भी आप बोलें इसको, वो हम बनाएंगे। ये मठरी हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, और इसका आटा हम पानी से नहीं लगाएंगे, दही से लगाएंगे, इसीलिए हम इसको नमकीन बालूशाही बोलते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, और ये 1 चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्ची है। देखिए इसको मैंने मोटा मोटा कूटा है, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, और बहुत कुरकुरी लगती है, और बहुत सॉफ्ट होती है। ये जीरा आधा चम्मच, ये आधा चम्मच अजवाइन, ये 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब इसमें मोयन के लिए हम घी डालेंगे। दो बड़े चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ढंग से। आप जब इसको बनाएंगे ना, तो इसके फैन हो जाएंगे, आपको ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। सब आपकी तारीफ करेंगे कि आपने क्या चीज बनाई है। तो आप जरूर बना के इसको ट्राई करें। और ये देखिए मोयन हमारे, किसी भी चीज में आप मोयन डालें तो उसको आप इस तरह से ऐसे बांध के देख लें। अगर आटा बंधना है तो मोयन आपका ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा मोयन और डालें। अभी हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो, आधी चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा आप इसमें ज़रूर डालें, और आटा इसका दही से लगाएं, ठीक है। थोड़ा सा घी हम और डालेंगे। अब हम इसका आटा लगाएंगे दही से, जितनी ज़रूरत हो आप उतना दही डालते जाएं, पानी बिल्कुल ना डालें, बस दही से आटा लगाएं। आटा इसका ना ज़्यादा टाइट लगाएं ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाएं, बस नॉर्मल लगाएं। और इसके आटे को ना हमें लगा के रखना नहीं होता है, बस डायरेक्ट हमें इसके मठरी या बालूशाही बनानी होती है। ये देखिए आटा हमारा लग रहा है, बस इतनी। मैदे को लगाने में हमारा चौथाई कप के करीब दही लगा है, और ये हमारा आटा लग गया। इसको ज्यादा हमको गूंथना नहीं है, बस अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बना के तेल में फ्राई करेंगे। अब हम इसकी इस तरह से लोई तोड़ लेंगे, जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी आप कर लें इस तरह से। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे, क्योंकि थोड़ी मोटी रहेगी ना, तो धीमी धीमी आंच पे बहुत अच्छी सेकेगी ये। बस इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, से करके इसको, वैसे तो इसको घी में सेकते हैं, पर आप चाहें तो इसको रिफाइंड में, तेल में, किसी में भी सेक सकते हैं। ऐसे कर करके इसको डालते जाएं, और धीमी धीमी आंच पे इसको सेकें। देखना खाने में इसका कितना टेस्ट आएगा, कितना मजा आएगा इसको खाने में। अब इनको सिकने दें, जब ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तब हम इनको पलटेंगे। ये एक तरफ से सिक गए, हम इनको पलट देंगे। इतने सुंदर लग रहा है ना, इसी तरह से हम सारे, ये हमारे सिक गए हैं। इसी तरह से हम सारे बालूशाही को या नमकीन मठरी को हम सेक कर निकाल लेंगे। इस
तरह से आप बनाइए और ऐसे इसमें कीजिए डालिए। ये भी हमारी सिद्धि है, तैयार है हमारी नमकीन बालूशाही। आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, किसी के भी साथ नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। तैयार है हमारी नमकीन बालूशाही। आप बनाइए और अपने घर वालों को खुश कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपकी बालूशाही कैसी बनी और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।